नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बराड़ा के लिए वोट मांगने नहीं पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की जगह टोहाना पर रैली में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर। कहा हरियाणा में कुछ परिवारों की सरकार रही है जिन्होंने हरियाणा को भ्रष्टाचार करके अपमानित किया। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को धोया है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि बराड़ा के लिए वोट मांगने कल अमित शाह नहीं पहुंचे। अमित शाह की जगह पर टोहाना रैली में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर। कहा हरियाणा में कुछ परिवारों की सरकार रही थी जिससे हरियाणा को भ्रष्टाचार करके अपमानित किया। मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को धोया है। उन्होंने कहा कि पहले के ज़माने में जब हम हरियाणा में प्रचार करने आया करते थे तो सोचते थे कि हरियाणा की वे 10 कौन सी ऐसी सीटें हैं जो भाजपा जीत सकती है। लेकिन आज हरियाणा की जनता ने विपक्ष को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे 10 सीटें कौन सी हैं जिन पर विपक्ष जीत सकता है। टोहाना रैली ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराड़ा ने नरेंद्र तोमर ने वोटों की अपील की। सुभाष बराड़ा ने मंच से बोलते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है और ईमानदार सरकार चला करके जनता को राहत दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों में पूरी पारदर्शिता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की है। आज ईमानदार सरकार की बदौलत भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है और 75 पार का लक्ष्य इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। इस प्रकार से पहले नौकरियों में तो पहले बंदरबांट होती थी, भ्रष्टाचार होता था, लेकिन जब नौकरी लग जाती थी तो ट्रांसफर के नाम पर हमारे कर्मचारी भाइयों को ठगा जाता था। उस ट्रांसफर उद्योग को भी बंद करने का काम किया। किस प्रकार से व्यापारी भाइयों का उत्पीड़न होता था, किस प्रकार से उगाइयां हरियाणा प्रदेश के अंदर चलती थी, किस प्रकार से जब लाइसेंस हमारा कोई व्यापारी और उद्योगपति भाई लेता था तो उस लाइसेंस की बोली लगती थी, और किस प्रकार से जो किसान की जमीन भोले भाई हमारे किसान भाई जिनकी जमीन पर सेक्शन 4 और 6 लगा करके अपने चहेते लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाते हुए और उनके अरमानों का घड़ा घोटा जाता था, उनकी जमीन को लूटा जाता था, इन सारी ही बीमारियों को खत्म करने का काम हमारी हरियाणा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 5 साल इस प्रदेश के अंदर चली मान्यवर, उसके कारण से आज प्रदेश के एक एक हमारे नागरिक को चाहे वो किसी भी वर्ग का है उसको ये लगने लगा है कि हाँ पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जो मेरे सपनों का सम्मान करना चाहती है। आज युवाओं को ये लगने लगा है कि हाँ अगर मेरे सपनों को उड़ान देने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसान को मजदूर को भी लगता है कि उनका सम्मान करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके सपनों को उड़ान देने का काम किया है। इस प्रकार से व्यापारी और हमारे उद्योगपति को भी लगने लगा है कि किस प्रकार से उनके सपनों को पूर्व में कुचला जाता था, आज इस सरकार ने उनके सपनों को साकार करने का काम किया है। आज हरियाणा में निर्वाचन की बेला है। 21 अक्टूबर को वोट पड़ने वाले हैं। सारी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन आज हरियाणा में एक अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। कार्यकर्ता के नाते पहले भी हरियाणा चुनाव में किसी विधानसभा क्षेत्र में जिले में ड्यूटी लगती थी तो हम लोग चुनाव प्रचार के लिए आया करते थे, और जब उस जमाने में प्रचार के लिए आते थे तो हम लोग यही हिसाब लगाया करते थे
कि 90 में से कौन सी 10 सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ताकत से चुनाव लड़ रही है। लेकिन आज अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। आज ये हिसाब भारतीय जनता पार्टी को लगाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में विपक्षी पार्टियां आज ये हिसाब लगाने को आप लोगों ने मजबूर कर दिया है कि विपक्ष के लोग किन 10 सीटों पर चुनाव ठीक प्रकार से लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आज हरियाणा में दिखाई देती है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाओ, किसी भी संसदीय क्षेत्र में जाओ, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता से बात करो तो चारों तरफ से एक ही आवाज आती है, भाई साहब भारतीय जनता पार्टी को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर 21 अक्टूबर को विशाल बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाना चाहते हैं। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि हरियाणा खेती के मामले में पूरे देश का उत्कृष्ट प्रांत माना जाता था। जब भी खेती की बात चलती थी, किसान की बात चलती थी, तो हरियाणा का नाम आगे आता था। लेकिन जब सरकार और राजनीति की बात चलती थी तो यहां कुछ लोगों की सरकार हुआ करती थी, यहां कुछ परिवारों की सरकार हुआ करती थी। वो परिवार और लोग हरियाणा को भ्रष्टाचार की आग में झोंकते रहे और हरियाणा को बदनाम करते रहे। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए उनके नाम के साथ हरियाणा जुड़ा और उनके कृतित्व ने हरियाणा की जनता को अपमानित करने का काम किया। लेकिन मुझे इस बात का गौरव है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई, मनोहर लाल खट्टर जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में भ्रष्टाचार का जो आरोप था वो पूरा का पूरा हरियाणा के नाम से आज धोकर एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है।